ब्रज की दो सखियां यमुना जल भरने गईं तो दोनों सत्संग करती थी आपस में। दोनों आपस में कहें, बोले भैया हमने कन्हैया की कथा तो बहुत सुनी लेकिन कन्हैया कभी देखे नहीं है। दूसरी बोली, अरे कन्हैया पता कहां रहे? बोले कहां रहे, वो संतन के पास रहे कन्हैया। अच्छा, बोले कहां पे? वो संतन के संग झोली रहे ना, वह झोली में बैठो रहे अंदर कन्हैया। अच्छा, कब मिलेगो हमें, कब दर्शन देगो झोली से निकल के? तभी एक संत वहां पर आकर के यमुना किनारे बैठे, उन्होंने अपना झोली कमंडल सब उतार के वहां रख दिया और स्वयं यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब तो दोनों सखी बोली, बोले भैया या की कमंडल या की झोली में जरूर कन्हैया बैठे होंगे, चल चल के दर्शन करें। बोले कहीं संत निकल के नहीं आ जाए? बोले अरे जितने में आवेगो इतने तो हम देख के वाकू भाग जाएंगे। अब संत की झोली खोली, झोली में खूब सारे ग्रंथ निकले, ग्रंथों को निकाला, आदि आदि सब निकाले, नन्हे से डिब्बे में डिब्बा खोल करके देखा, डिब्बे में से कपड़ा हटाया तो लड्डू गोपाल उसमें विराजमान। अब तो सखियां दोनों आपस में देख देख गोपाल जी, देखी बेटो कन्हैया, अरे बहन कितना सुंदर है कन्हैया, नन्हे से गोपाल जी हाथ में माखन लेके बैठे लड्डू गोपाल। बोले सुन सुन डिब्बा में बैठे जल्दी बाहर निकाल। अब जैसे ही बाहर निकाले तो दूसरी सखी बोली, देख कन्हैया डिब्बा में बैठे बैठे उनके हाथ पांव कैसे सुकुड़ गए हैं। अब लड्डू गोपाल के तो हाथ पांव ऐसे ही रहते हैं, लेकिन गोपी का भाव कैसा? बोले देख हाथ पांव डिब्बा में बैठने से सुकड़ गए इनके, चल मेरे पास मक्खन रखो, इन्हें मक्खन से मालिश करके इनके हाथ पांवन को सीधो कर दूं। अब तो मक्खन से जैसे ही मालिश करनी शुरू करी, करते 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 लड्डू गोपाल भगवान खड़े हो गए, पैर भी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, कन्हैया खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए इतने में संत आए, और संत जैसे ही आए तुरंत कन्हैया को रख करके डिब्बे में भागी वहां से। संत ने आकर के देखा तो लड्डू गोपाल जो कि लड्डू गोपाल के रूप में थे वो खड़े हो गए हैं। संत ने तो कहा कि अब उन सखी रुकती तो उनको प्रणाम करता, वो तो चली गई। प्रभु आज आपने बड़ी कृपा करी, आपने ऐसा चमत्कार दिखाया, आज ऐसे स्वरूप में दर्शन दिए। साष्टांग दंडवत करके जैसे ही चरण स्पर्श किए, संत का स्पर्श करते ही लड्डू गोपाल फिर से लड्डू गोपाल बन गए। संत के नेत्रों से आंसू बहने लगे, दो चार घंटे रोता ही रहा। बोले प्रभु उन सखियों को ये तक नहीं पता कि आपके भोग के लिए मंत्र क्या बोलना चाहिए, आपका स्पर्श कैसे करना चाहिए, आपका भोग कैसे लगाना चाहिए। ऐसी अबोध उन सखियों के भाव से आप सीधे हो गए, और मैं जिसने आपकी प्राप्ति के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बना, मेरे स्पर्श करते आप फिर से लड्डू गोपाल बन गए, क्यों? आपको मैं प्रिय नहीं हूं। भगवान बोले अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुरंत गोपाल जी बोलने लगे, बोले देखो हम आपके पास रहते हैं क्योंकि आप भाव से हमारी सेवा करते हो, लेकिन आप सदैव हमको मूर्ति मानते हो, उन सखियों ने हमको मूर्ति नहीं माना इसलिए हम खड़े हो गए। ये मूर्ति भाव अपने हृदय से निकाल दो, हम सदैव आपसे भी बात करेंगे। भागवत में आदि ग्रंथों में कितनी जगह कहा गया है कि अपने घर में अविराजित अपने लड्डू गोपाल को कभी मूर्ति नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात ठाकुर जी, साक्षात कन्हैया।